किसको गिरफ्तार किया? आज थाना किशनगंज पर सोशल मीडिया पर हिस्ट्री शीटर व गैंगस्टर को फॉलो करने वाले दीपक और दीपसा को गिरफ्तार किया गया है। इसने सोशल मीडिया पर एक रील बनाई जिसमें क्लॉक टावर का HS है सामू डांगोरिया, वो जेल से छूटा था, तो उसके साथ में उसने जेल पर रील बनाई, रील बनाकर सोशल मीडिया पर डाली। साथ ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को फॉलो करता है, उसकी फ़ोटो वगैरह लगाता है, उस पर नज़र रखते हुए इसको आज गिरफ्तार किया है। 126, 135 क्लोज 3 और 170 BNS में। इसके खिलाफ वहाँ क्लॉक टावर थाने में मुकदमे दर्ज है, 3-4 मुकदमे हैं, और ये सोशल मीडिया पर अपनी गैंग और अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए ये ऐसी रील डालता है ताकि इसकी पॉपुलरिटी लोगों में बढ़े, इसको अधिक से अधिक लोग फॉलो करें। क्या नाम है? इसका नाम है दीपक उर्फ दीपसा। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि शहर में युवाओं में जिस तरह से गैंगस्टर और अपराधियों की छवि बन रही है वह काफ़ी चिंताजनक है। वे लगातार उन्हें फॉलो कर रहे हैं और साथ ही गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड डॉन की फ़ोटो पोस्ट कर दहशत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो गंभीर घटनाओं में शामिल है। ऐसे युवक व युवतियाँ जो कि उन्हें फॉलो और लाइक कर रहे हैं उन पर नज़र बनाए रखने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें अपराधियों के नाम से चल रहे सोशल मीडिया अकाउंट्स, उन पर टिप्पणी करने वाले लोगों की जाँच कर रही है और उन्हें फॉलो करने वालों की पहचान कर साइबर टीम के जरिए बराबर नज़र बनाए हुए हैं, जिनके खिलाफ भविष्य में और कार्रवाई की जाएगी। इसको BNS की धारा 126, 135 क्लोज 3 और 170 BNS में गिरफ्तार किया गया। जगमाल दाइमा, ASI थाना किशनगंज।